आप कहते हैं कि आप पांडवों के वंशज हो, और उस रथ पर कौन बैठता है? ऊपर की जो मंजिल है, केवल और केवल, और चट्टान के नीचे इतने इतने बड़े बड़े पांव हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप राजनीति को देवनीति से जोड़ देते हैं। एक दिन तुमको अकस्मात पूजा करनी पड़ेगी तो पत्थर पर। आप फर्स्ट वेंचर्स में थे। उगड़ा है एक जगह वहाँ सोलन में, वहाँ नाले में नहाते। एक साल मंडी में कॉलेज में से वापस लौट कर आया, क्योंकि घर में मंदिर की हालत बहुत खराब। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक बार दशहरे के बीच में आपको जेल जाना पड़ा था? हम यहाँ के जो राक्षस था वो भेष बदल के आया, फिर उसको भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर मार दिया था गले से नीचे। सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक, और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ है कुल्लू के राजा आदरणीय महेश्वर सिंह जी, जिनको रघुनाथ जी का छड़ी बदार भी कहा जाता है। और रघुनाथ जी का नाम लेते हुए हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। लाइट कैमरा साउंड एंड जय रघुनाथ। अपने बचपन के बारे में सर थोड़ा सा बताइए, आपका बचपन कैसा रहा था? देखिए, मेरा जन्म जो है वो नाना के घर हुआ था। नाना नेपाल से थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर परिवार से, और बेंगलोर में सेटल्ड थे। तो बेंगलोर में मेरा जन्म हुआ 1949। उस वक्त से लेकर दादाजी जो थे, उस दादाजी भी हमारे, मैंने देखा उनको बड़े समय तक, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहा, और बड़ी छोटी उम्र में वो गुजर गए थे। 1960 में 52 वर्ष की उम्र में दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। जी जी। उनके लगाव के कारण नाना जी चाहते थे कि मुझे शुरू से ही कहीं इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाए और कहीं हॉस्टल भेजा जाए, अच्छा पढ़ाई की जाए, लेकिन दादाजी उस चीज़ को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा इसको मेरी तरह मंदिर का रघुनाथ जी का छड़ी बरदार बनना है एक दिन, तो फिर वो संस्कारों में कमी रह जाएगी। क्योंकि पिताजी को भी उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, तो फिर उनको कुछ बातों से पिताजी से सहमति नहीं थी, क्योंकि वो खाते पीते थे और दादाजी बिल्कुल साधु आदमी थे। तो वो लाड प्यार के कारण मेरे को फिर जब मैं स्कूल जाने लगा तो प्राथमिक पाठशाला सुल्तानपुर में डाला गया। हाँ जी। वहाँ से फिर मैं ढालपुर आया, और जब ढालपुर पढ़ता था तो उस समय, पहले तो स्कूल में पढ़ता था तो दादाजी की मृत्यु हो गई, और दादाजी का स्वर्गवास के बाद बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि वो मेरे को रोज़ ही कोई ना कोई बात सुनाएंगे, भगवान की पूजा सीखो, ये करो वो करो, एक दिन तुमको अकस्मात पूजा करनी पड़ेगी तो पत्थर पर सीखो। तो मेरे को बड़ा शौक था, मैं सीखता था। फिर घर के हालात ऐसे हो गए कि पिताजी की और घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे को बीच में वहाँ से छोड़कर मंडी आना पड़ा। फिर मंडी से भी जितना मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, वो नहीं हो पाया। उस दिन से लेकर रघुनाथ जी के हम सेवक हैं, तो इसलिए जो सेवक करना चाहिए सेवक को, वो मैं करता। आप कहते हैं कि आप पांडवों के वंशज हो, तो पांडव यहाँ क्यों आए थे और क्या कारण है इसका? हमारे पूर्वज वैसे मूलतः हम यहाँ के नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पांडव वंश जो था वो बसा हुआ था कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल नाम है, और कनखल नाम बाद में पड़ा, ये मायापुरी कहलाता था। ये त्रिपुरा सुंदरी जो भगवती है, हाँ जी,
थोड़ी उसकी जानकारी देंगे उस तब आपका आपको सारा हमारे पाठ परिवार का इतिहास का पता लगेगा। हाँ जी, त्रिपुरा सुंदरी वो भगवती है जो विष्णु ने रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय में, और जब अमृत कलश निकला था तो वो अमृत कलश त्रिपुरा सुंदरी के रूप ने पकड़ा, भगवती ने पकड़ा, और फिर देवताओं को तो अमृत पिलाया, और जो दैत्य थे उनको सूरा पड़ा दी। वो उन्होंने क्यों, क्योंकि अमृत लेंगे तो फिर अमृत हो जा अमर हो जाते, तो एक जो राक्षस था उस वो भेष बदल के आया, फिर उसको भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर मार दिया था, गले से नीचे अमृत नहीं गया था। नहीं गया था तो उससे कलश जो पैदा हुआ था वो भगवती त्रिपुरा सुंदरी है। हाँ जी, तो वो पांडवों की मेन कुलदेवी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुलदेवी है। और फिर हमारा जो यहाँ वहाँ परिवार रहता था तो उनको एक दिन अकाल पड़ गया इतना कि वो जगह छोड़नी पड़ी, राज परिवार होते हुए भी छोड़नी पड़ी, छोड़नी पड़ी, चलो विधि का विधान था, और छोड़नी पड़ी। तो वो फिर वहाँ से अकाल से निकल कर यहाँ उत्तराखंड में आए। जी जी, और क्यों आए उसका भी इतिहास है, वो बाद में बताऊंगा। फिर हाँ वो आए और यहाँ चलते चलते भंग मुनिपाल कुम्हार के पास उन्होंने नौकरी की, और कुम्हार के घड़े बेचते थे, और देवी की एक इडम्बा माई के मेला होता है जयधारा में। हाँ जी, हाँ जी, तो उस मेले में घड़े बेचने गए। अच्छा जी, तो हिडम्बा ने बुढ़िया का रूप धार कर के बड़ी मुश्किल से चलना और सोठी लेकर और बहुत मुश्किल से चल रही थी, तो उनको दया आ गई। भंग मुनिपाल ने कहा कि दादी कहाँ जा रही है, दादी शब्द उनको क्योंकि यहाँ सब बूढ़ों को दादी दादी बोलते हैं। जी जी, और उत्तराखंड में भी यही बोलते हैं, दादी बोलते हैं, तो वहाँ से हम मायापुरी से आए। फिर उन्होंने कहा कि दादी तू ऐसा कर, मेरी छिक्की पर बैठ जा, तेरा वजन कितना है। मैं वो बैठ गई, और जब एक बड़ा पत्थर है, आज भी वो चट्टान है, वहाँ जब बैठे तो उसने बोला बेटा तू थक गया होगा, बैठ जा। बैठे, फिर जब चलना शुरू किया तब प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया था, तो उसने कहा कि अब तू मेरी पीठ पर। बोला भाई तू मेरे को कैसे उठाएगी, तू चल भी नहीं सकती, तेरा अपना वजन नहीं उठा सकते, तो फिर मेरे पास फिर ये छिक्की भी है। बोला तेने दादी बोला है ना। बोला, बोला तो है, तो यहाँ तू पाँव तो रख। जब उसने पाँव रखे तो उसने फिर विराट रूप धारण किया, कहा बेटा कहाँ तक तेरे को नजर दिख रहा है। वो बोलता रहा कि यहाँ तक नजर आए, यहाँ तक नजर आए। फिर उसने कहा कि लिंगटी से नीचे, लाहौल में लिंगटी है, हाँ जी, गाँव कोई, वहाँ से नीचे तो दाढ़ी दलासनी से ऊपर ये एरिया मेरे को नजर आ रहा है यहाँ से। तो फिर कहा कि मैं तेरे को वचन देती हूँ कि यहाँ का तू राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो मेरे को मत बोलना, एक वचन मेरे को तू दे। हाँ जी, बाकी तो तू राजा बनेगा, तेरे को जो आफतें आएंगी संकट पड़ेंगे उनका भी निवारण मैं करती रहूँ। हाँ जी, तो उन्होंने हाँ कर दी। तो फिर चलते रहे वो, फिर बुढ़िया तो गुम हो गई, गुम हो गई। फिर किसी जगत सुख के पंडित ने उनकी रेखा देख ली पाँव की, वो आराम कर रहे थे, जब पलझोटू पंडित बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी, उसने देखी, उसने हल्ला डाल दिया कि भाई इसको वरदान भी मिल गया है, ये राज इसकी राजरेख है, ये राजा बनेगा। और वहाँ उस वक्त राणा ठाकुरों का राज था, वो पीछे पड़ गए उसको मानने के लिए। अच्छा, फिर अपनी जान बचाने को लाले पड़े। हाँ जी, ये फिर वो बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन एक सबसे पहले कि भाई
कारण क्या था उनको इस प्रकार से आने का, और पांडवों का यहाँ आना क्यों हुआ था। हाँ जी हाँ जी, ये सब इतिहास है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। तो जब महाभारत था, महाभारत के टाइम में पांडव अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास में वो याम मनाली आए डुंगरी के जंगल, डुंगरी हाँ जी, और ये हिडम्बा और हिडब दैत्य थे दोनों भाई बहन। आप उस मंदिर को देखो हाँ जी, आज भी तो उसके नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, और उस चट्टान के नीचे इतने इतने बड़े बड़े पांव हैं, चरण हैं, देवियों के चरण इतने होते हैं। हाँ जी, आपके पुईद में भी छोटे हैं, साइज हाँ, होता है महिलाओं का। हाँ जी, वहाँ का चरण कितना बड़ा है, इतना है शायद, आप ध्यान से देखो। हाँ जी जी, वो हिडम्बा के चरण है, वो वहीं रहते थे। फिर रात को वो अपने भाई के लिए शिकार करती थी कि कोई ना कोई एक आदमी चाहिए उसको, चाहिए। हाँ जी, तो वो हिडम खा जाता था। तो उसको भीम नजर आया, वो पहरा दे रहा था, पांडव सो रहे थे। आई तो खाने की दृष्टि से थी, लेकिन उसको देखकर वो मोहित हो गई, और वो अपने उसने भी मोहित रूप धारण कर लिया, और वो नाचने लगी, गाने लगी, और फिर भीम भी मोहित हो गया। और वो इस प्रकार से हुआ कि फिर उसने कहा कि मेरे से शादी करो। तो भीम ने कहा कि शादी की बात तुम कर रहे हो, शादी तो मैं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास माताजी साथ हैं, उनकी आज्ञा होगी, मेरे भाई हैं युधिष्ठर, वो फैसला करेंगे, तब मैं बात करूँ। तो फिर उनको लेकर वो चले गए, वहाँ पर पहुँच गए भीम उस जगह पर अपने जहाँ सोए थे। हाँ जी, तो माता के चरण छुए और कहा कि माताजी ये मैंने इससे शादी करनी थी। तो बट उन्होंने कहा कि बेटा हमको एक वंश भी पूछना पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा, तब शादी होगी। तो हिडम्बा से पूछा कि भाई क्या वंश है तुम्हारा, तो उसने कहा दैत्य वंश। उन्होंने कहा दैत्य वंश से कौन शादी करते। तो फिर कृष्ण भगवान आए, तब कहा कि इसी से जो उत्पत्ति होगी पुत्र की, वो तुम्हारे महाभारत में काम आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों उनको अज्ञातवास हुआ वो तो फिर कौरव पांडव की कथा बहुत लंबी ज्यादा जाएगी। हाँ जी हाँ जी, तो फिर तब फिर माता जी को मानना पड़ा। तो माना पड़ा, फिर वो चल पड़ी साथ साथ ही। जब अज्ञातवास खत्म, जाना था यहाँ से, निकलना था बाहर, तो उसने हटकी के मैं चलूँगी। हाँ जी, तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने रोका कि अगर तू जाएगी तेरे से पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, एक समय आएगा तू यहाँ तपस्या कर, माता शबरी का ऊपर मंदिर है, वहाँ तू तपस्या कर, और तपस्या से ही तेरा भला होगा, और फिर एक दिन तू वहाँ जा सकेगी। और बाकी अगर तो ऐसा है कि अगर तैने नहीं मानी तू दैत्य की दैत्य ही रह जाएगी, तेरा इतिहास नहीं बनेगा, देवी रूप धारण करना है तो तू तपस्या कर। इसलिए उसको तपस्या की उसने वहाँ पर, और ये वहाँ आता भी है कि जमदर्षि देवी के पास पानी भरता था, और जब ये रोज झाड़ू देती थी देवी के मंदिर में, हिडम्बा वहाँ बैठी, और वो माता जो शुरू की भगवती बोलते हैं उनकी थी, वो बिजली का रूप था, और उनके उसमें से चला ये काम, फिर उसने वही किया। इसलिए कहते हैं कि जब तक हमारा कोई पूर्वज था, वंशज नहीं आता था,
तो जब तक कौन जानता था हिड़मा का तो कौन पूजा करता, तो फिर उसके लिए देखो विधि के विधान के मुताबिक फिर यहाँ पर वो रक्षा करती रही। हाँ जी, और फिर यहाँ से जो उन्होंने जितने भी राणे थे ठाकुर थे वो बड़े अत्याचार करते थे, किस प्रकार से बचते गए और मंदिर में छुपे, ये बहुत कुछ है। शुरू की भगवती के मंदिर में छुपे और उसको यूं पकड़ लिया पिंडी को और पीछे से सिपाही दौड़ रहे थे, तब कहा कि चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो कुछ ही है, तो मैं तेरे को कुल देवता मानूंगा, मेरी जान बचा। तो वहाँ से एक मकड़ी निकली, तो मकड़ी ने जाल बुन दिया, तो सिपाही ने कहा ये तो अंतर तो कोई नहीं है, चलो। फिर किसी के घर में छुपना था तो हिडम्बा ने एक बड़े बड़े बाल वाली महिला का रूप ले लिया और वो बाल धो रहे के सुखा रही थी, वो बाल इतने थे कि नीचे तक लमके थे, चावड़ी से नीचे थे। हाँ जी। और राणों ठाकुरों की डरों से लोग घर में बंद करके जाते थे, अंदर से बंद करते थे, ताला लगाते नहीं थे, मर्द काम में जाए तो महिला अंदर बंद करके घर में रहती थी। उसने कहा भाई घर तो बंद है, मेरे बाल पकड़, मैं बाल से ही खींच दूंगी। तो हिडम्बा ने बाल से खींचा और अंदर कोठड़ी में डाल दिया, तो जान बची है, तो इसलिए फिर इसका देवी रूप है। देवी रूप है कि आने का कारण ये हुआ। हाँ जी। और फिर उसके बाद वो उसको राज मिला और उसको राजा घोषित कर दिया। हमारे दशहरे में 300 से ज़्यादा देवी देवता आते हैं, वो सबसे पहले रघुनाथ जी के पास जाते हैं और उसके बाद वो आपके महल में आते हैं, इसका क्या कारण है? इसलिए होता है कि जो राजपाट दिया जिसने हिडम्बा ने, हाँ जी, तो बाद में क्या हुआ, यहाँ राजा जगत सिंह तक तो राजपाट चला यस ठीक है, और जब राजा जगत सिंह जी का टाइम आया तो यहाँ शिव और शक्ति की पूजा होती थी, वैष्णव धर्म नहीं था, मतलब शिव और शक्ति मांसाहारी वैष्णव का धर्म का नाम नहीं था। उस वक्त राजाओं के वक्त भी ये जो है यहाँ पशु मेला लगता था और ये बलि प्रथा थी, ये बलि वगैरह बाकायदा होती थी, मेले होते थे, और ये जगह जो है ये ढालपुर जो है ये हमारे रोपे थे रानी जगत सिंह की जो रानी थी उनके नाम लगे हुए रूपे थे। हाँ जी। तो एक बार मणिकर्ण नहाने जाने जाते थे, राजा जगत सिंह गए, 16वीं शादी की बात शताब्दी की बात है, और राजा जगत सिंह जी को कुछ पंडित, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है चाहे धार्मिक क्षेत्र है चाहे कोई क्षेत्र है, उसमें आदमी किसी का मुकाबला ना कर सके तो ईर्ष्या करता है। बिल्कुल करता सहमत है। अगर कोई बड़ा पॉपुलर हो जाए राजनीति में, हाँ जी, तो सारे नेते उसके पीछे लग जाते हैं कि इसको नहीं देना बाकी औरतों को सब कुछ कर लेना, बिल्कुल सही, बिल्कुल ताकि ये और शक्तिशाली ना हो जाए। हाँ जी। इसी प्रकार विद्वान की बात भी है। हाँ जी। तो एक ब्राह्मण बहुत विद्वान था और वो गाँव था टिपरी का ब्राह्मण दुर्गादत्त, बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन पूजा पाठ में बड़ा उत्तीर्ण था सारा, और सारे लोग उसको प्रवित मानते थे, बाकी पंडितों से कुछ होता नहीं था। तो उन पंडितों ने क्या किया, ये एक युक्ति लड़ाई कि सरसाड़ी में आए और राजा को शिकायत की कि राजा तेरे दरबार के चुराए हुए मोती एक पत्था इस पंडित के पास है, कहाँ से आए इसके पास, सुचे मोती का ये चोर है इसलिए आप। राजा ने भी चलते चलते ऐसे ही कह दिया, कोई विचार नहीं किया बड़ा, ये कहा कि जाओ सिपाही तुम जाओ पाली तरफ और उस पंडित को बोलो कि मेरे लौटते हुए मेरी चीज वापस दे दे, नहीं तो मेरे को तेरे को समाप्त करना पड़ेगा। उसको संदेश मिला, पंडित इतना दुखी हुआ, क्या रहा है, कैसा राजा है, न्याय देना था मेरे को, पूछता मेरे को खाने को नहीं है तो ये क्या है,
बड़ा विचार किया और फिर विद्वान था, उसने सोचा इसके घात से क्यों मरूं मैं, अपनी आत्महत्या कर लूं। और ऐसी करनी के टबर भी ऐसा सोचा कि परिवार फिर भूखा मरेगा, ये दुष्ट तो कोई नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, उस घर को बंद किया, परिवार को बंद किया। जब बाजा बना बजा कि आ गया अब राजा आ गया, अब आई मेरी बारी, तो उसने अपना मांस काट काट के फेंका और ले राजा तेरे मौत, अपने मांस की आहुति दी, तो राजा को कुष्ठ रोग हुआ, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। फिर ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो फिर बहुत पछताए। उनको ये नहीं था कि भाई मैंने मानना, ये नहीं था कि तब राजा जगत सिंह ने फिर उपाय ढूंढने लगा, विद्वान बुलाए, कोई बुलाए, कोई बुलाए, देवी देवता पूछने, कोई बुलाए, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि भाई कोई महात्मा आया हुआ है, वो है प्यारी महात्मा। वो उन दिनों में नगर वहाँ से राजस्थान से आए और नगर रहते थे और ठाउए से नीचे से झीड़ी गांव में से गुफा में है, गुफा आज भी है, आगे बंद हो गई है वो गुफा, वो मणिकर्ण रोज नहाते थे। तो राजा ने आदमी भेज दिए कि भाई महात्मा जी को बोलो कि दरबार में आओ, नगर बैठे में। उन्होंने कहा कि राजा को जरूरत है वो आए, मैं तो फकीर हूँ, मैं काहे को आऊँ किसी के पास। वो सिर्फ पै हरी नाम, इसलिए दूध ही पीते थे और कुछ नहीं खाते थे, अपनी पूजा करते थे। फिर राजा गए तो चरणों के चरणों में पड़े, तो उन्होंने कहा कि भाई राजा तुम राजपाट त्याग सके? बोले त्याग दूंगा, इस बीमारी से तो त्याग ही दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर एक काम करो, जो रघुनाथ जी की त्रेता नाथ की ठाकुर की मूर्ति है, जिस मूर्ति की सीता जी की मूर्ति के साथ अश्वमेध यज्ञ हुआ है, वो मूर्तियाँ अयोध्या के मंदिर में हैं त्रेता नाथ ठाकुर की, उस सीता राम की मूर्ति उठा के लिए। अरे वो उन्होंने कहा महात्मा जी कौन उठाएगा, एक तो इतनी दूर जाएगा कौन? बोला मैं उपाय बता दूंगा। तो एक दमोदर नाम का ब्राह्मण था, हाँ जी, वो राजा सुकेत के दरबार में था, तो उन्होंने गुटका सिद्धि की हुई थी। गुटका सिद्धि, यस। तो गुटका सिद्धि की हुई थी तो उनको भेजा गया अयोध्या में, जाकर उन्होंने पूरी एक वर्ष सारे त्यौहार लिखे, क्या क्या वहाँ होता है, पूजा पद्धति लिखी, हाथ से लिखी। और फिर एक दिन मंदिर में वो बर्तन साफ करने का काम करते थे, थे तो विद्वान लेकिन उन्होंने बर्तन बुर्तन साफ करने, तो फिर बाद में मंदिर बंद करके चले जाना, जैसे मंदिर बंद हो ना उन्होंने चले जाना। वो एक दिन रात को कहीं छुप गए अंदर ही और मूर्ति निकाल दी। सरयू के किनारे जब बैठे पूजा करने तो अयोध्यावासी आ गए, आए और उन्होंने कहा कि तू चोर है तेना ऐसा। उसने कहा भाई मैं चोर कुछ नहीं हूँ, हमारे राजा को ऐसा हुआ है, ये भगवान की मूर्ति मैं पूजा के लिए ले जा रहा हूँ, अब भाई आप इतने मालिक हैं तो आप अपने आप ले जाओ रघुनाथ को, मैं तो क्या करूँ। वो रघुनाथ को उठाने की कोशिश की, अंगुष्ठ मात्र मूर्ति नहीं उठी। तो फिर उन्होंने बड़े प्रेम से एक श्राप दिया, अरे तू हमको छोड़ कर, अयोध्या की भाषा बड़ी लठ भाषा है, अरे तू हमको छोड़ के जा रहा है, एक दिन तू हमें अयोध्यावासियों की याद आएगी तो तेरे को फिर पता लगेगा, जा फिर जाना है तो चले। तो जब यहाँ रघुनाथ जी आए तो फिर रघुनाथ जी के पास फिर पै हरी एक हमको नरसिंह भगवान का पत्थर दिया, शिला दी कि तुम राजपूत हो, ये गद्दी पर बैठना और गद्दी पर रख के, और आप जो है रघुनाथ जी की मूर्तियों को राजा मानना, और तुम राजा के नौकर होकर छड़ी बरदार होकर उनके नाम से ही काम करोगे, ये वरदान है। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आप हमको राजा मत बोलो। अब चिट्ठी लिखता हूँ मैं जो दशहरे की, उसमें लिखता हूँ रघुनाथ का भवदीय, रघुनाथ का छड़ी बरदार महेश्वर से,
राजा नहीं निकले। क्यों? राजपाट हमारे वो चले गए, राजा तो रघुनाथ है, हम उसके नौकर हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ भी कोई कहता है ऐसा कि राजनीति में भी कि हम आपका नौकर हूँ, हम वैसे नौकर नहीं है, सचमुच में नौकर है रघुनाथ के। और दशहरे में खुद हम श्रृंगार करते हैं, पूजा में बैठते हैं, मंत्र सीखने पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारा अपना धर्म है हमारा। तो इसलिए ये ही इसका इतिहास है। फिर वो जगह कम पड़ गई, फिर राजा जगत सिंह ने देवताओं को शासन दे दिए। 360 देवते ऐसे निकले कि जिनको माफियाँ मिली, शासन दिए, महादेव है, बड़े बड़े देवते, सबसे ज़्यादा बजरी महादेव की माफ़ी सबसे बड़ी थी। फिर ठाकुर रामचंद्र की, रघुनाथ जी की माफ़ी तो कम थी, ठाकुर रामचंद्र जी की जो मणिकर्णिका मंदिर है उनकी ज़्यादा थी। तो ये वहाँ पे उन्होंने सारी बांटी, क्योंकि ठाकुर रघुनाथ जी को तो ये सोचा ये तो अपना है ना, तो अपने हमारी ज़मीन है सारी रघुनाथ की। तब से लेकर ये परंपरा चली आई, फिर ये जगह दे दी और यहाँ मंदिर बन, यहाँ पर सबको देवताओं की जगह बनी और देवते आने शुरू हो गए और फिर बलि प्रथा भी चलती रही, सब कुछ चलता रहा। और इसमें कई उतार चढ़ाव देखे, सरकार ने कई बार कोशिश की, कभी मंदिर को हड़पने की, कभी कोई गोलीकांड हुए, तो रघुनाथ ने ही हमारी रक्षा की, यही दशहरे की। एक बार दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा भी हुआ था कि हमारी जो रघुनाथ जी की मूर्ति है वो चोरी हो गई थी, तो वो तो बहुत बुरा समय हम सब के लिए ही था। तो आपका उस समय कैसा रहा, उस बुरे समय में? उस दिन आज भी मुझे याद है, मैं सेशन में था, हाँ जी, धर्मशाला में सेशन चल रहा था, हाँ जी, तो मैं विधायक था। तो बड़े बाबा ने फोन किया बेटे ने कि भैया ऐसा सब। अभी एक विचित्र बात हुई कि रघुनाथ जी की मूर्ति तो चोरी हो गई, हाँ जी, सीता जी की मूर्ति रह गई, सीता जी की मूर्ति रह गई और बाकी तो पूजा के बर्तन भी सब कुछ, नरसिंह शालिग्राम सब कुछ रह गया। और उसकी ऐसी मति मारी गई चोर की कि जो बड़े बड़े चांदी के बर्तन थे वो तो उसने कहीं सर्वरी में दबा दिए, हाँ कि पकड़ा जाऊंगा बाद में, मजे मजे से ले जाता रहूं। हाँ जी, रघुनाथ की मूर्ति जेब में रखी और हनुमान जी साथ रघुनाथ जी और हनुमान जी साथ, वो सीता जी की मूर्ति छोटी है उसको पता नहीं था। तो मुझे ये विश्वास था कि सीता जी छूटी हुई हैं तो फिर भगवान जी जरूर आएंगे। तो देखिए उस वक्त फिर क्या हुआ, जितने देवता पूछे हमने, हर देवते बोलते थे कि रघुनाथ जी यहीं हैं, कुल्लू से बाहर नहीं है। ज्योतिषी पूछे, ज्योतिषी भी बोलते थे यहीं हैं। इसी बीच में बसंत पंचमी का उत्सव आ गया, हाँ जी, तो उत्सव जब आया तो फिर बसंत में तो ढालपुर आना है। तो फिर पूछने लगे शहर के लोग, भैया वो बसंत कैसे करना। मैंने कहा बसंत करना, मैं कहा अब्बल में तो पता नहीं मुंह से ऐसे ही छूट गई, अब्बल में से मैं कहा तो रघुनाथ जी को आ जाएंगे, नहीं है तो हमारे जो यंत्र है रघुनाथ का और सीता जी है, हम यंत्र और सीता जी के साथ कर लेते। और देखिए कहाँ विचित्र माया, वो चोर पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर में आदमी भेजने पड़े, मिस्टर कुंडू उस वक्त यहाँ पर ऑफिसर थे, हाँ जी, आज वो डीजी हैं, डीजी है, हाँ जी, तो उन्होंने फिर उसके लिए प्लान बनाया, वहाँ आदमी भेजे, फिर वो आदमी उस चोर के घर पहुंचे और चोर को मारा पीटा, तो वहाँ तो कुछ नहीं था। तो फिर उसने कहा कि भाई मैंने वहीं रखी, तो उसका विश्वास कौन करेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर उन्होंने कुंडू जी का हम आभारी हैं पुलिस के, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने फिर सैटेलाइट से दिखाया सैटेलाइट कि भाई कहाँ जैसे तुमने मूर्ति रखी। तब उसका बयान सुना, उसने कहा कि
पहले तो मेरे को रोज लात मारता है आते घर में हनुमान जी और मेरे को पीट पीट के मेरा ये कर दिया। और मैं जब जेब में मूर्ति डालकर गया था तो जब मैं बैरियर पर रुका बुजौरा बैरियर पर तो पुलिस भंग की तलाशी ले रही थी तो मैंने सोचा मेरी मूर्ति भी फंस जानी तो मैं अंदर हो जाना, अब क्या करना। तो उसने क्या देखा कि एक झाड़ी है वहाँ, उस झाड़ी के नीचे हनुमान जी को और रघुनाथ जी को दोनों को छुपा दिया और झाड़ी के ऊपर सब सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी और एक पत्थर रखा। और उस दिन से लेकर एक बैल मारने वाला अवारा बैल वो उस जगह आता था, उसने बैठे रहना और जो उस झाड़ी के नजदीक आए उसके पीछे मारने दौड़ना। तो भगवान ने इस प्रकार से रक्षा की, हनुमान जी साथ थे और भगवान ने वहां रक्षा की, सीता जी हमारे पास थे। और बसंत पंचमी के पूर्व भी मैं मीटिंग में बैठा था शिमला में, तो वीरभद्र जी ने कहा कि महेश्वर सिंह जी आपके रघुनाथ की मूर्ति मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ। और फिर मैंने बाबा को फोन किया अपने बेटे को, उसने कहा हाँ सच है। फिर छोटा बेटा भागा, फिर वो गए, फिर वो मूर्ति आई और फिर उसी बसंत मूर्ति से बसंत पंचमी का उत्सव हुआ। और उस दिन यहाँ का मंदिर देख ये मैदान देखते बनता था। दूसरा दशहरा हो गया, इतने लोग आए, लोग ऐसे थे कि बस सर्वस्व चढ़ाने के लिए तैयार थे उस वक्त। हमारे देवभूमि में अगर हमें देवी देवताओं की से बात करनी होती है तो हम चेले के माध्यम से या गूर के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट कनेक्शन सिया जी और राम जी के साथ है और आपकी डायरेक्ट उनसे बात होती है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए यहाँ कोई गुर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। हाँ जी, छोटी बात हो तो फूल लगाते हैं। हाँ जी, और उनके उससे बड़ी बात हो तो चिट्ठी लिखते हैं, लिफाफे में बंद करते हैं, हाँ ना और इस तरीके से पूरी बात लिखनी उस पर, वो तीन चिट्ठियाँ। फिर रघुनाथ जी के शयन के पास वहाँ नीचे की पौड़ी पर उसको रख के ऊपर से चांदी की थाल ढक देनी और लकीर लगानी, जो चिट्ठी खिसक गई उसका पूरा जवाब मांगते हैं। और ये रघुनाथ जी जब की मूर्ति भी चोरी हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ। कई दिनों के बाद, 5-6 दिन के बाद एक चिट्ठी खिसकी और वही खिसकी गई। फिर कभी रघुनाथ जी से और बात भी पूछनी हो तो यही तरह का है, या तो फिर जो भगवान अंदर से बता दे। वो बात तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। तो फिर उनका जो आदेश है पालन करता। देवता की बात को मैं कभी टालता नहीं और कहीं से भी बात पर विश्वास नहीं करता। जिस दिन मैं देवता का नाम लेकर कोई गलत काम करूंगा तो मेरा वर्ष खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हल्ला पड़ा बहुत एक देवता के लिए। हाँ जी, जितना देवता ने बोला उतना ही साथ दिया। हाँ जी, फिर कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ कर दिया। फिर कहा जगती क्यों नहीं बुलाई, मैं कहा जगती बुलाने का तब होता है मतलब जब देवता हमको आदेश दे। आदेश इतना था कि भाई मेरी जो देवते की जगह है उसमें कोई गतिविधि ना हो। फिर जुड़ते जुड़ते लोगों ने कुछ और बना दिया। मैं कहा चलो, जनमत भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, जनमत भी होता है। जनमत इसलिए हो गया कि जब मानते ही नहीं है तो फिर कहीं नहीं बना। तो फिर बोला मैं कहा भैया ये कहीं नहीं की बात तो मैं नहीं, पर मैं आपके साथ हूँ कि जनमत बना है तो जनमत की बात दूसरी है, पर देवता का नाम मैं इसमें नहीं ले सकते। बिल्कुल, तो मेरे से नाराज भी हो गए। तो नाराज होते हैं लोग। तो अभी इतना जितना जो देवता बोलते हैं वो करना हमारा है,
पर यह भी है कि हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास रघुनाथ है, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जगती है, साक्षात है, जगती है। जगती में देखो, जब स्की विलेज का झगड़ा पड़ा था तो हमने जगती में 365 350 गुड़ थे उनको वो तपस्या में बैठाया। एक दिन भूखे रखते हैं और फिर दूसरे दिन उसकी पूछ की, फिर भी जो वो देवता ने कहा उसके फिर मलोई डाली, लोटे में डाली। वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे, सब सीधा आया कि नहीं चाहिए बस। तो पहले के दशहरे में और अब के दशहरे में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें ऐसी बदल रही है? पहले के दशहरे में लोगों की अटूट आस्था थी, आस्था ना केवल रघुनाथ में, अपने अपने देवता में भी। अब कलुकाल है, कभी कभी हम अपनी मनमानी भी कर लेते हैं और कभी कभी झगड़ा भी कर देते हैं। उस वक्त भी देवताओं के झगड़े होते थे, दूर के झगड़े होते थे, लेकिन वो देव रघुनाथ के ही आदेश को मानते थे। दो देवलों का झगड़ा हुआ तो राजा ने करना था फैसला जी जी उस वक्त, और फिर जब रघुनाथ जी आए तो रघुनाथ जी के पास फैसला। अब रघुनाथ जी के पास फैसले को नहीं आते, जगती करो बोलते हैं। तो फिर जगती भी की जब वो बड़ी बात थी। हाँ जी। और फिर जो ये धूर का झगड़ा है ये सेल्फ मेड होता है। आपस में गांव में विवाद पड़ गया फिर बोल देना बड़ा देवता। मैं कहता हूं कि ऋषि मुनि को तो रघुनाथ ने भी पूजा है। भगवान राम ने अपने गुरु धारण किए थे जी 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 हैं। ये जो उन्होंने यज्ञ किया था तो ये मूर्ति कौन सी मूर्ति है? ये वो मूर्ति है जो सीता जी वनवास में थी और रघुनाथ जी ने अश्वमेध यज्ञ करना था, तब कहा कि मैं, उन्होंने कहा धांगनी के बगैर नहीं होगा। तब गुरु जी को बोला उन्होंने कि गुरु जी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, चाहे मैं इसी प्रकार से रह जाऊंगा। तो इसका उन्होंने कहा इसका उपाय निकालो, बोला फिर आप इस प्रतिमा बनाओ। प्रतिमा बनानी है तो उसमें जीव धारण करवाएंगे हम, उसको अंगुष्ठ मात्र। अब देखते हैं ना आप ये जो सोल बताते हैं आत्मा, हाँ आत्मा कितनी होती है? ये अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र। और ये मूर्ति क्या प्रमाण है इसका कि वही है कि ये मूर्ति इतनी है और रघुनाथ जी की मूर्ति भी इतनी है और वो दोनों मूर्ति अगर आप पूजा देखेंगे करते हुए ये माला इस प्रकार से है और ये हाथ आहुति दे रहा, आहुति दे रहा और कमलासन है नीचे और जब रथ में सवार हो तो रघुनाथ जी सबसे बड़े देवता की मूर्ति नजर आते हैं उस रथ पर। हाँ जी, हाँ। अगर स्नान करती देवता देखें आप तो अंगुष्ठ मात्र हैं दोनों ही, दोनों। और भगवान को मुकुट लगा देते हैं, सब कपड़े लगाते हैं तब लगते हैं, जब स्नान करती दफा तब आपको पता होगा। और यही है वो, अब ये जब बड़ा यज्ञ होता है तो हम सरयू से पानी लाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप राजनीति को देवनीति से जोड़ देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यही देवी देवता जाने, देवते की बात हम कभी मोड़ते नहीं। जो नहीं मान सकते तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंतिम तो देवता का ही आदेश होगा, आदेश होगा। तो जो वो अगर मैं इसकी अवहेलना करूं तो मैं ही, मुझे ही अकेले नहीं सारे परिवार तक को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हमें मालूम है। अब राजा जगत सिंह जिसने राजपाट छोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, और रघुनाथ की सेवा की, तब भी अमर नहीं रहे। हम अमर नहीं है, हमको भी एक न एक दिन जाना है, लेकिन इस जीवन में मेरा संकल्प है लोग लाख कहे
ना तो कभी मैं राजनीति में देवनीति को लाऊंगा, ना मैं देवनीति में राजनीति लाऊंगा। अब कई कारदार किसी पार्टी के हैं, कोई किसी के हैं, तो उस देवता के साथ आएंगे तो हमारे लिए बराबर है। और जब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है या विरोधी है उसको बुरा तो नहीं बोलेंगे, पर उसका फिर मान सम्मान थोड़ी करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति की बात तो अलग, रघुनाथ की बात अलग, अभी दुशहरे में भी कई दफा हमारे ऊपर देवता नाराज हो गए, देवता नहीं हुए, देवड़ू नाराज, देवड़ू नाराज हुए। मैं एक बात कह रहा हूं कि जब देवता के देवड़ू नाराज होते हैं तो भाई इसकी पंची करो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कैसे करें? अब यहां कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक मापदंड पहले से रखा है कि जिन जो देवता सराज ने सबसे बड़ा माना आपको, आपसे जो इतिहास चला है, हाँ जी, 16 कोठी सराज में कौन देवता बड़ा, तो वही चला बड़ा। और यूं तो बड़े छोटे कोई नहीं होते, हमारे लिए ऋषि मुनि सब एक है। बिल्कुल। और इधर कौन बड़ा, और देवी दशहरे का शुरू कैसे होगा? अब ये परंपरा बन गई हिडम्बा की, वो अब उसने दुर्गा रूप धारण कर लिया, तो आज हिडम्बा के बगैर और बिजली महादेव के बगैर तो रथ नहीं हिलता था। बिजली महादेव आएगा तो रथ चलेगा, चलेगा, तब तक हम इंतजार करते हैं। तो ये और भगवान को, रथ को, बिजली महादेव को, इस तरफ को चलना है। और इस तरफ को कौन चलेगा? सबसे बड़ा देवता। अब आप उन देवताओं को कोई पीछे आगे करना चाह सके तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। हमारी मजबूरी है उनके साथ चलना। और ये बना रखी है, कहा भी कहीं ने कि भाई अभी ये करो वो करो, मैंने कहा यार कैसे करें? आज एक परंपरा तोड़ेंगे तो दूसरी भी तोड़नी पड़ेगी। आप हमारे कुल्लू के राजा हो और दशहरे में आप मेन अट्रैक्शन रहते हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि एक बार दशहरे के बीच में आपको जेल जाना पड़ा था? उस बात को थोड़ा सा क्लियर करें। गोलीकांड हुआ है दशहरे में। अच्छा। उनका आपको नहीं पता होगा? नहीं, उस बारे में। एक दशहरे में, हाँ, ये चाहा उस पर तत्काल की वो अपने मंत्री थे लालचंद प्रार्थी जी के टाइम में, हाँ जी हाँ जी, कि कला केंद्र बन गया। उसमें हमारा ट्रेडिशनल रूट था कि जब लंका जातर को जाना तो अंदर से वो रास्ता छोड़ा, वो रास्ता हमने नहीं छोड़ा, तो लंका दहन के दिन पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा। कि निकलो बाहर यहाँ से, और हमारे को जिग्गा कलगी लगाए हुए सब जेल में गए, मैं, पिताजी और एक मेरा चाचा। और फिर गोलीकांड हुआ, फिर एक बेचारा प्रिंटिंग प्रेस का कांगड़े का कोई ढालपुर में मर गया, हाँ जी, ये सारा हुआ है। लेकिन हमने मंजूर किया कि हम इस केस को लड़े। फिर बहुत कुछ हुआ भगवान की कृपा से, डीबी लाल कमीशन बैठा और वो केस खत्म, और हमारा रूट बहाल हो गया। हम वो ट्रेडिशनल रूट नहीं छोड़ते, जिस रास्ते से जाना है जाना है। बिल्कुल। ये झगड़ा हुआ था। दशहरे में कौन ऐसे हमारे, कितने ऐसे देवी देवता हैं जिनकी, जैसे ना पीछे जब कोरोना का समय था तब सूक्ष्म हुआ था, कुछ एक देवी देवता थे आए हुए, तो उन देवी देवताओं का क्या रोल है? जैसे वो ना हो तो फिर दशहरा होना? देखिए, दशहरा तो रुकता तो नहीं, नहीं रुकता बिल्कुल। परंपरा कहीं देखे, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ, उन दिनों में डेट्स का फर्क पड़ गया होगा, हाँ जी, हिडम्बा नहीं आई, एक दिन लेट आई। अब बिना हिडम्बा के जो शस्त्र पूजन कौन करवाए, तो उस वक्त की शस्त्र पूजन जो है नगर की भगवती ने किया है, दूसरी कुलदेवी। परंपरा है
कि हिडम्बा करेगा, हिडम्बा आ जाए तब होगा, तब होगा, उनके बिना अधूरा है, बिना उधारा है। तो ये बड़ा मान सम्मान है क्योंकि राजदादी है, राजदादी है, हाँ, तो राज देने वाली दादी है वो, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी हमारी कुलदेवी है, तो फिर कुलदेवी से गुआ, इसी प्रकार होता है, इस प्रकार के जो जो चीजें। बाकी बिजली महादेव भी एक दिन लेट आया था जब इमरजेंसी थी, हाँ जी, तो फिर दूसरे दिन लाए, मजबूरी है, लेकिन परंपरा है, परंपरा है कि बिना गुण लगेगा रथ में तो देवता बिजली महादेव पार नौमी के दिन आता है, तो आता उसके है। बाद दसवीं में लगा, हाँ जी, हाँ जी, और मंदिर में रहना। हाँ, चलो आखिरी में आप एक हमारी जनता को क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो इतना ही नव निवेदन है, ये परंपराएं हैं, और ये मेरे को राजा मानकर नहीं, रघुनाथ का प्रथम सेवक होते हुए कह रहा हूँ कि आप इन परंपराओं को जीवित रखने में सहयोग करें। जिस रथ को छूने मात्र से ही कहा जाता है कि पाप धुल जाते हैं, और इस रथ को खींचने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, मेरा ये सवाल है कि उस रथ में किस किस को बैठने की अनुमति होती है, और क्या एक राजा होने के नाते आपको परमिशन है कि आप भी उस रथ में बैठें? रथ खींचते कभी बहुत डर हो जाती है, इसको श्रद्धा से खींचो भाई, इतनी जोर से खरीदे खींचते हैं, कभी तो भगना भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो ये इस चीज को तो आप समझेंगे, परंपरा है, खींचते हैं हम, कोई देखो उसमें, और परंपरा ये भी है कि रथ में कोई नहीं चढ़ता, मैं भी नहीं चढ़ता, कौन चढ़ेगा। एक और बात है, हाँ जी, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात आती है, जब रघुनाथ का रथ खींचा जाता है, रस्से में कोई हाथ लगाए, चाहे मुस्लिम बंधु है, चाहे सिख बंधु है, चाहे ईसाई बंधु है, सब रथ खींचते हैं, लेकिन पहले कौन हाथ लगाएगा, कोई VIP नहीं, रघुनाथ जी का प्रथम सेवक, सेवक ये है। और उस रथ पर कौन बैठता है, ऊपर की जो मंजिल है, केवल और केवल पुजारी, पुजारी जो भाटू लोग हैं, जो पूजा के असिस्टेंट हैं, वो पौड़ी के पास खड़े होते हैं, वो रथ पर नहीं बैठते, नहीं बैठते, हाँ, उनको खड़े रहना पड़ता है। और उसके बाद एक लोहार बैठता है नीचे रथ पर, हम खींचते हैं, हाँ जी, और एक थाउई बैठेगा, लोहार क्यों बैठेगा, कील ठोकनी है, कील ठोकनी है, क्यों बैठेगा थाउई, उसको भी अगर कोई चीज हट किला हुआ है उसको ठोकना है वो कर देगा, और अगर कोई आदमी नीचे आ जाए या रथ रोकना पड़े, हल्ला हो गया नहीं रुका, तो वो रस्से काटने का अधिकार रखता है, बाई लाइन चाहिए, और थाउई तो वो खड़ा रहता है रथ को पकड़ के, और जब तक यहाँ पर उसके वो बाई लाए हैं, हाँ, तब तक शुद्ध है वो, शुद्ध है। तो ये सर्व धर्म संभाव की भी जात पात बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, फिर मनु ऋषि को गाली देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो मनु ऋषि का रथ भी तो वही होता है ना, उनका गुरु भी तो दलित ही है, गुरु उनका भी दलित है, दलित है। तो ये है कुल्लू में एक अच्छी परंपरा, भाईचारे की परंपरा। रघुनाथ सबका है, सबका है, रघुनाथ अपना गरीब का भी है, दलित का भी है, अमीर का भी है, सबका है, और दूसरे धर्म वालों का भी रघुनाथ है। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और जो कहानी हमने अपने दादी दादा मम्मी पापा से सुनी थी और आपसे साक्षात सुनी, तो बहुत सौभाग्य महसूस हुआ, और मुझे लगता है आप सबको भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ना चाहते तो हमारा दशहरा एक बार ज़रूर देखें जो हमारे हिमाचल से बाहर के हैं। एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा, हाँ जी, आपके माध्यम से प्रशासन को भी और लोगों को भी, हाँ जी,
कृपा करके इस मंदिर इस मैदान में अनाप शनाप कंस्ट्रक्शन ना करें। बिल्कुल, एक दिन आएगा ये मंदिर ये मैदान छोटा पड़ जाएगा और विजयदशमी का उत्सव जो है बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो ये फिर ग्राउंड कितना है और देवी देवताओं का भी आना बढ़ रहा है। पहले बंद हो गए थे, हाँ जी। अब 300 350 देवता आते हैं और आबादी भी बढ़ रही है, तो अगर ऐसी कंस्ट्रक्शनें करते रहे और इस ग्राउंड से छेड़छाड़ करते रहे जो हमारे पूर्वजों ने जब था तो कम से कम ये शाड़ था, शाड़ बोलते थे, बड़ा भारी था ये, 100 बीघा से बड़ा था, अब तो पता नहीं कितना 40-45 बीघे की जगह रह गई। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पर हम ब्रीफली वीडियो बना सकते हैं तो उस टॉपिक का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक ओनली ऑन क्लोल स्टार।